नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एम्प्लॉयमेंट्स वॉच में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 24 अप्रैल 2019 को जो जॉब अपडेट्स हुई उनकी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड्स की। NEST एग्जाम 2019 के एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं। PNV ने टेक्निकल ऑफिसर के इंटरव्यू लेटर जारी कर दिए हैं। वहीं हरियाणा SSC ने जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट निकाली थी उनके एडमिट कार्ड इशू कर दिए। चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPSJS 2016 का रिजल्ट विद मार्क्स डिक्लेयर कर दिया है। RPF ने SI की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। वहीं SEBI ने असिस्टेंट मैनेजर की जो वैकेंसी निकाली थी उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। SBI क्लर्क 2018 की सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। SMP CIL ने ऑफिसर इन मटेरियल्स में जो वैकेंसी निकाली थी उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। एम्स भुवनेश्वर ने SRF का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। वहीं वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट एंड जूनियर इंजीनियर्स की जो वैकेंसी निकाली थी उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन चीफ जजिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जजिशियल मजिस्ट्रेट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SSC ने कुक और केटरिंग अटेंडेंट की जो वैकेंसी निकाली थी उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर इन अप्लाइड मैकेनिक्स में जो वैकेंसी निकाली थी उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 3 असिस्टेंट लाइब्रेरियन और असिस्टेंट डायरेक्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आंसर कीज की। SSC ने SI एंड ASI की 10th आंसर की रिलीज कर दी। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट्स आपके लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।